Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Junior College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a topic which is in continuation with my previous video, which is on difference between multidisciplinary and interdisciplinary education. Today I am going to discuss in difference between interdisciplinary and transdisciplinary education. So I have given this topic the heading as transdisciplinarity and its comparison with interdisciplinary approach. Okay, the lecture will be in bilingual mode as usual and will be very useful for your basic conceptual understanding about these such relevant and highly used and confusing terms. Okay, do subscribe my channel too for getting my previous as well as future videos. So let's start. First of all, हम discipline की बात कर रहे हैं. हमने बात की, पिछली बार हमने बात की कि NEP में multidisciplinary approach की बहुत बात की जा रही है और अक्सर हम लोग multidisciplinary और interdisciplinary को एक जैसा समझते हैं और एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है. और हमने जाना इसका, जब मैं डिस्क्रिप्शन दूंगी तो पिछले वीडियो की लिंक दे दूंगी, तो जिनके लिए जिन्होंने नहीं सुना है वो उसको सुन सकते हैं. तो मल्टी डिसिप्लिन ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमने कुछ डिसिप्लिन को एक पास लिया है, वो कहीं कोई जुड़ाव नहीं है, कहीं कोई इंटीग्रेशन नहीं है. यानी कि आप कह सकते हैं कि बेसिक लेवल का एक हमने दूसरी डिसिप्लिन की मदद ली है. लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी में हमने बताया था कि इंटीग्रेट करते हैं, न्यू नॉलेज जनरेट होती है, मतलब उससे हायरार्की में जो इंटरडिसिप्लिनरी है वो मल्टीडिसिप्लिनरी से ऊपर है. लेकिन फिर बात हुई कि ट्रांसडिसिप्लिनरी फिर क्या है, तो उसके लिए जानते हैं कि ट्रांसडिसिप्लिनरिटी का क्या मतलब है. तो हम समझ जाएंगे कि ट्रांसडिसिप्लिनरी एजुकेशन, ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच या ट्रांसडिसिप्लिनरी लर्निंग से क्या तात्पर्य है. तो सबसे पहले, ट्रांसडिसिप्लिनरी टीचिंग मूव्स बियॉन्ड जस्ट टीचिंग अक्रॉस डिसिप्लिन्स यूजिंग कॉमन थीम्स, टॉपिक्स और इश्यूज दैट थ्रेड थ्रू डिफरेंट कोर्सेज. यही बात हमने इंटरडिसिप्लिनरी में की थी कि हम अक्रॉस डिसिप्लिन्स जाते हैं, जो कि कॉमन थीम है, कॉमन टॉपिक है, कॉमन इश्यूज है, जिनको और डिसिप्लिन के एंगल से भी देख सकते हैं, कुछ नया जनरेशन क्रिएशन करने की कोशिश करते हैं, जो कि इंटरडिसिप्लिनरी में होता था. लेकिन यहाँ वन स्टेप अहेड है, मूव्स बियॉन्ड है. और ट्रांसडिसिप्लिनरिटी रिक्वायर्स इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड इंटेंशनैलिटी. मींस ऐसे ही नहीं हम बैठे बैठे ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं फॉलो कर लेंगे, इंटेंशनली हमको वैसा करना पड़ेगा, हमको उसके लिए प्रयासरत होना पड़ेगा, जानबूझकर हम वैसा करेंगे. और हमको कोऑपरेशन चाहिए, कोऑपरेशन वो जिनसे हम जुड़ रहे हैं, जिनके डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन आपस में जुड़ रहे हैं. और इनोवेशन कुछ नवाचार होगा, कोई नई चीज निकल कर आएगी. और ट्रांसडिसिप्लिनरी लर्निंग इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए रेलेवेंट कंसेप्ट, इश्यू और प्रॉब्लम दैट इंटीग्रेट्स. कोई ऐसा कंसेप्ट हो सकता है, कोई मुद्दा हो सकता है, कोई ऐसी समस्या हो सकती है जो समेकित करती है किसको, पर्सपेक्टिव्स ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स. बहुत सारे हमने अनुशासन लिए हैं और उनके परिप्रेक्ष्य से हम क्या कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू कनेक्ट न्यू नॉलेज एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग. यहां तक तो इंटरडिसिप्लिनरी में चल रहा है कि न्यू नॉलेज क्रिएट हो रही है और डीपर अंडरस्टैंडिंग में हमको कोई बात समझ में आ रही है. पर ये जो आगे लिखा है टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, ये इंटरडिसिप्लिनरी में नहीं था. इंटरडिसिप्लिनरी में हम कहीं ये बात नहीं कर रहे थे कि हम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को सॉल्व करने जा रहे हैं. तो ये एक एडिशन है, एक एड ऑन है, किसमें, ट्रांसडिसिप्लिनरी में. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द मेजर पर्पस ऑफ ट्रांसडिसिप्लिनरी लर्निंग इज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस. हमारे आसपास जो संसार है उसको समझने के लिए हम ट्रांसडिसिप्लिनरी का यूज कर रहे हैं. दैट लर्निंग शुड बी कंटेक्सचुअलाइज्ड. अच्छा, ये जो नामकरण है इसको आप एज इट इज इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं, हिंदी वाले भी, हिंदी भाषी है ना, ये आसान लगता है बोलने में, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी, इंट्रा डिसिप्लिनरी, क्रॉस डिसिप्लिनरी, ट्रांस डिसिप्लिनरी है ना. वैसे आंतर अनुशासन, अंत अनुशासनात्मक, बहु अनुशासनात्मक तो थोड़ा सा टफ लगता है, मतलब मुझे. आप हेडिंग इंग्लिश में डाल के लिख सकते हैं. तो मेजर पर्पस ऑफ ट्रांसडिसिप्लिन लर्निंग क्या है, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस एंड दैट लर्निंग शुड बी कंटेक्सचुअलाइज. जब कंटेक्सचुअलाइज होगी, जब हम अपने आसपास के संदर्भ के साथ चलेंगे, तभी रियल लाइफ एक्सपीरियंस आएगा एंड अप्लाई टू रियल लाइफ फार बियॉन्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल नोशन ऑफ स्कूल. यानी कि जो पुरानी विचारधारा चली आ रही थी उससे बहुत अलग है और आगे है. क्यों? क्योंकि हम लर्निंग को रियल लाइफ सर्कमस्टेंसेज में अप्लाई कर पा रहे हैं, जो कि ट्रेडिशनल नोशन इसका नहीं है, वहां सिर्फ बुकिश काम चल रहे थे.
तो इंटरडिसिप्लिनरी से वन स्टेप अहेड है. क्या फायदा, क्या जुड़ गया, इनोवेशन जुड़ गया, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जुड़ गए, प्रॉब्लम कंटेक्चुअलाइजेशन जुड़ गया, जो कि बात इंटरडिसिप्लिनरी में नहीं हो रही थी. बहुत लंबी स्लाइड से आप बहुत आप क्लियर हो जाएगा. हिस्ट्री में जाए, क्या अभी अभी हम ट्रांसडिसिप्लिनरी पे बात करने लगे, क्या ये बहुत नया कंसेप्ट है? नहीं. हिस्ट्री में जाएंगे तो 1840 में द हिस्ट्री ऑफ द ट्रांसडिसिप्लिनरी मॉडल गोज बैक टू द ईयर 1840 टू द टर्म कंसिलियंस व्हिच रिफर्स टू द जंपिंग टुगेदर ऑफ नॉलेज. यानी कि अगर हम इससे मिलते जुलते शब्द और इससे मिलते जुलते भाव को पढ़े ढूंढे तो हमको 1840 में ही मिल जाता है, जब ये बात की जा रही है कॉन्करेंस कोअकरेंस ऑफ डिसिप्लिन्स बाय लाइनिंग फैक्ट्स अक्रॉस डिसिप्लिन्स टू डेवलप ए कॉमन एक्सप्लेनेशन वेयर द ऑथर एंटीसिपेटेड द डिमांड फॉर ए मोर रिगरस लर्निंग प्रोसेस बाय इंटरवीविंग नॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नेचुरल साइंस. मतलब इस तरीके का भाव कि कई जंपिंग टुगेदर ऑफ नॉलेज, कई डिसिप्लिन से कोई बात निकल कर आ रही है, कोई कॉमन एक्सप्लेनेशन निकल कर आ रहा है, ये 1840 के आसपास हमको मिलता है. लेकिन जो वाकई ट्रांसडिसिप्लिनरी शब्द या इसके मायने या इसके बारे में इश्यूज, इसकी डेफिनेशन हमको कब मिलती है? द वर्ड ट्रांसडिसिप्लिनरिटी अपीयर्स टू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 1970. हमको 1970 में मिलता है. कब, कहाँ? एट अ सेमिनार. एक सेमिनार हो रहा था. किस पर? इंटरडिसिप्लिनरिटी पे. कहाँ हो रहा था? इन यूनिवर्सिटीज. इंटरडिसिप्लिनरिटी इन यूनिवर्सिटीज, ये सेमिनार का टॉपिक था. और वो कहाँ रहा था? हेल्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नाइस and jointly sponsored by the Organization of Economic Cooperation and Development and the French Ministry of Education. मतलब ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक आइडिया लेने के लिए कि एक सेमिनार इंटरडिसिप्लिनरिटी पे हो रहा था जहां पर ये निकल के आया. कब की बात है? 1970 की. और देखिए सबसे एकदम रोचक बात, कौन जुड़ा है इसके नामकरण से? दी एमिनेंट स्विस साइकोलॉजिस्ट जियां पियाजे. मतलब अगर हम ट्रांसडिसिप्लिनरिटी को पढ़ते नहीं तो हम शायद कभी नहीं जान पाते कि पियाजे साहब का नाम ट्रांसडिसिप्लिनरिटी से भी जुड़ा हुआ है. क्योंकि हम तो सिर्फ और सिर्फ जानते हैं पियाजे साहब को किसमें? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में. हद से हद थोड़ा जान लेते हैं तो मॉरल डेवलपमेंट में, थोड़ा जान लेते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में, इसके अतिरिक्त नहीं जानते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन. इसीलिए जितना ज्यादा पढ़िए उतना ज्यादा पता चलता है, उतनी ज्यादा रस आता है, उतना ज्यादा पता चलता है कि हम कितना कम जानते हैं. तो The eminent Swiss psychologist Jean Piaget is generally credited with coining the term. तो ये term देने का credit generally Piaget साहब को जाता है. कैसे जाता है? कब दिया इन्होंने? Conclusion of Piaget's 1972 essay. कोई essay लिखा उन्होंने. किस पर? On various kinds of interaction between the disciplines. जिसमें वो बात कर रहे हैं कि बहुत सारे अनुशासनों को हम आपस में उनका अंतः संबंध कर सकते हैं. वहां से transdisciplinarity निकल के आ रही है. क्या कह रहे हैं ये? Higher state succeeding interdisciplinary relationships. यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी जो रिलेशनशिप्स बन रहे हैं डिसिप्लिन्स के अंतर्गत, उससे ये कहीं हायर स्टेज है. क्या? ट्रांसडिसिप्लिनरिटी व्हिच वुड नॉट ओनली कवर इंटरैक्शंस और रेसिप्रोसिटीज. जो केवल अंतः संबंध और पारस्परिक संबंध नहीं जोड़ रहा है किसके बीच में, स्पेशलाइज्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बीच में, बट वुड प्लेस दीज रिलेशनशिप्स विद इन अ टोटल सिस्टम विदाउट एनी फर्म बाउंड्रीज बिटवीन डिसिप्लिन्स. यानी कि ट्रांसडिसिप्लिनरी में हमारा बाउंड्री खत्म हो जाए, पता ना चले कि कौन सा अनुशासन कहां से शुरू हुआ है, कहां खत्म हुआ है. इस तरीके से रचना करनी है, इस तरीके से हमको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. एट द सेम इवेंट पियाजे'स इनसाइट वाज एलिबोरेटेड बाय टू मोर साइंटिस्ट्स, एरिक जेंस एंड एंड्रे लिक्नेरोविक्स. मतलब कि उन्हीं का पेपर नहीं होगा, और बहुत से लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे, जिन्होंने कुछ उनकी फाइंडिंग्स पे और आगे काम किया होगा. तो इन लोगों ने उसको और जोड़ा, जिसमें कि जेंस कहते हैं कि ट्रांसडिसिप्लिनरिटी इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट सिंथेसिस ऑफ डिसिप्लिन्स. मतलब अगर हम सिंथेसिस ऑफ डिसिप्लिन्स की बात करें तो सबसे पहले सिंगुलर डिसिप्लिन, मोनो डिसिप्लिन, फिर आपका आता है मल्टी डिसिप्लिन, फिर आपका आता है इंटर डिसिप्लिन, और उसके बाद आपका आता है ट्रांसडिसिप्लिन. तो ये कह रहे हैं कि ये हाइएस्ट लेवल है, एब्स्ट्रैक्ट सिंथेसिस है. किसको किसको सरपास कर रहा है, किससे किससे ऊंचा है, आगे है? मल्टी डिसिप्लिनरिटी से, प्लूरी डिसिप्लिनरिटी से, क्रॉस डिसिप्लिनरिटी से और इंटर डिसिप्लिनरिटी. देखिए सब कितने अलग अलग शब्द हैं, और हम जब नहीं जानते हैं तो हमको लगता है सब एक ही तो बात हो रहा है, प्लूरल है चाहे मल्टी है चाहे क्रॉस है, क्या करना है, सब मोर और लेस एक है. नहीं, हायरार्की है, किसी में हर बार एक नई चीज जुड़ रही है तो नया नाम दिया जा रहा है. ठीक है. Yet, the notion of transdisciplinarity introduced at the beginning of the 1970s remained undeveloped and almost unnoticed until the early 1990s. मतलब नामकरण इसका 1970 में हो गया, उसके बावजूद ये 1990 तक unnoticed रहा. तो जाने ये कि 1990 में ऐसा क्या हुआ जो इस पर नोटिस किया गया, मतलब इस पर काम किया गया, ये फिर से आया लाइमलाइट में. क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस, सस्टेनेबिलिटी की जब बात हो रही है, तब सिर्फ आप
पोल्यूशन को एक डिसिप्लिन से नहीं रोक सकते, उसमें आपका बायोलॉजी भी लगेगा, केमिस्ट्री भी लगेगा, आपका साइंस भी लगेगा, फिलोसफी भी लगेगा, सोशियोलॉजी भी लगेगा, बहुत सारे डिसिप्लिन के ऐसे के संयोग सहयोग की जरूरत पड़ेगी तब जाकर, क्योंकि ये ऐसे 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 प्रॉब्लम्स आ गई जो वर्ल्ड ने पहले फेस नहीं की थी। तो थीम्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस फॉर वॉच वर्ड्स, ये वो शब्द बने इन मूविंग द हेयर टू फोर लिटिल यूज कंसेप्ट ऑफ ट्रांस डिसिप्लिनरिटी टू द फोर ग्राउंड ऑफ डिबेट्स अबाउट साइंस एंड प्लानिंग। मतलब फिर जरूरत पड़ी कि क्यों ना बहुत सारे अनुशासनों को और बहुत सारे विषयों के को लेकर मर्ज करके कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सॉरी, फिर क्या हो रहा था, अर्थ समिट हो रही थी रियो डी जेनेरियो में 1992 में यूनाइटेड नेशंस की, वहां इमर्ज एज ए टर्निंग पॉइंट। ये एक टर्निंग पॉइंट के रूप में साबित हुआ जब ट्रांस डिसिप्लिनरिटी पे फिर बातचीत की जाने लगी, ऑफ अवेयरनेस अबाउट नीड फॉर एक्शन इन एकेडमिक एंड साइंटिफिक कम्युनिटीज। बात की गई कि हम सिंगुलर सिंगुलर डिसिप्लिन से नहीं ये सब निकाल सकते हैं, इतनी क्लिष्ट समस्याएं। फिर 1994 में पहली वर्ल्ड कांग्रेस होती है ट्रांस डिसिप्लिनरिटी पे इन कॉन्वेंटो डी अरेबिया। ओके, तो इस तरह से ट्रांस डिसिप्लिनरिटी निकलकर फिर 1994 में सामने आ रही है। तो कॉकलेमैन इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक वर्क डन बाय ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, मतलब बहुत सारे वैज्ञानिक। अब इसमें इसका ये मतलब नहीं जो साइंस पढ़ेगा वही साइंटिस्ट है, जो आर्ट के विषय, क्योंकि विषय तो सारे ना, तो साइंटिस्ट एक इन जनरल कह दिया गया कि एक विद्वजनों के समूह द्वारा किया गया एक वैज्ञानिक कार्य है विद द इंटेंशन ऑफ, जिसमें हमारा उद्देश्य क्या है, जानबूझकर हम क्या करना चाहते हैं, सिस्टमैटिकली परस्यूइंग द प्रॉब्लम ऑफ हाउ द नेगेटिव साइड इफेक्ट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखिए स्पेशलाइजेशन के नेगेटिव साइड इफेक्ट भी है क्योंकि हम बाकी डिसिप्लिन की ओर नहीं देखते, लेकिन परंपरा इसी तरह से चली आ रही है, इसीलिए अब उसको थोड़ा सा हम डाइल्यूट करना चाह रही है। एनईपी कह रही है कि मल्टीडिसिप्लिनरी हो जाइए, बहुत सारे विषय पढ़िए, स्पेशलाइज्ड एकदम उस हद तक ना होइए कि दूसरे विषय की ओर आपका कुछ भी जानकारी ना हो। तो स्पेशलाइजेशन के नेगेटिव साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, सो एज टू मेक एजुकेशन एंड रिसर्च मोर सोशली रेलेवेंट। जब सोशली रेलेवेंट्स की बात आएगी, जब कंटेक्चुअलाइजेशन की बात आएगी, जब रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन की बात आएगी, तब ट्रांसडिसिप्लिनरिटी की बात आएगी, ये इंटरडिसिप्लिनरिटी के बस की बात नहीं है। ओके, कंपेरिजन शुरू करते हैं, कैसे ट्रांसडिसिप्लिनरिटी से इंटरडिसिप्लिनरिटी से अलग है। ट्रांसडिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस टू टीचिंग एंड लर्निंग ऑफर ओकेजंस टू कंसीडर द सेम इश्यू फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। इतना तो समझ में आ गया कि हम एक इश्यू को बहुत सारे डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं, बट अलग कैसे हैं। हाउएवर ट्रांसडिसिप्लिनरिटी प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू ट्रांसेंड, ट्रांसेंड का मतलब गो बियॉन्ड, हम उससे अधिक जा रहे हैं, उससे ऊपर जा रहे हैं, इंडिविजुअल डिसिप्लिन्स इन ऑर्डर टू कोलैबोरेट टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड क्रिएट सॉल्यूशंस टू ग्लोबल इश्यूज। जब अगर ये यहीं तक होता कि इन ऑर्डर टू कोलैबोरेट टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता, बट जब हमने इसमें जोड़ दिया एंड क्रिएट सॉल्यूशंस टू ग्लोबल इश्यूज, तो ये ट्रांसडिसिप्लिनरी हो गया। ओके, वन स्टेप अहेड है, हायरार्की में ऊपर है। इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग मींस टीचिंग अक्रॉस डिसिप्लिन्स, ठीक है, जनरली बाय यूजिंग ए कॉमन थीम टॉपिक और इश्यू। अ सिंगल डिसिप्लिनरी अप्रोच हैज लिमिटेशंस, पर्टिकुलरली एज इट इज कंसीडर्ड विद द नॉर्म्स ऑफ दैट अवर पर्टिकुलर डिसिप्लिन, इग्नोरिंग अदर्स डिसिप्लिन्स कंट्रीब्यूशन टू द इश्यू और पोटेंशियल सॉल्यूशन। जो सिंगल डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है वो क्या करती है, दूसरे डिसिप्लिन के कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल दरकिनार कर देती है, जबकि इंटरडिसिप्लिनरिटी में क्या होता है कि स्टूडेंट्स कैन लुक एट द सेम थीम इश्यू और टॉपिक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल डिसिप्लिन। मतलब हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे, सिंगल डिसिप्लिनरी में दूसरा डिसिप्लिन नहीं देख रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी में दूसरा डिसिप्लिन देख रहे हैं, लेकिन ट्रांसडिसिप्लिनरी में दूसरा डिसिप्लिन इस तरीके से देख रहे हैं कि हम ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ओके, ट्रांसडिसिप्लिनरी टीचिंग मूव्स बियॉन्ड जस्ट टीचिंग अक्रॉस डिसिप्लिन्स, तो हो गया, सॉरी, ट्रांसडिसिप्लिनरिटी रिक्वायर्स इनोवेशन कोऑपरेशन एंड इंटेंशनलिटी, ये भी शायद हो गया था। फिर ट्रांसडिसिप्लिनरी लर्निंग इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए रेलेवेंट कंसेप्ट इश्यू और प्रॉब्लम दैट इंटीग्रेट्स द पर्सपेक्टिव्स ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू कनेक्ट न्यू नॉलेज एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। बार बार कह रही हूँ कि अगर ये यहीं तक होता इन ऑर्डर टू कनेक्ट न्यू नॉलेज एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग, तो ये आई थिंक कुछ रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से इस स्लाइड को बढ़ा देंगे आगे, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी है, लेकिन जैसे ही रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जुड़ेगा ये हो जाएगा आपका क्या, ट्रांसडिसिप्लिनरी। फिर ट्रांसडिसिप्लिनरिटी, ये वाला पहला रिपीट हो गया, सॉरी, ट्रांसडिसिप्लिनरिटी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मल्टीडिसिप्लिनरिटी एंड इंटरडिसिप्लिनरिटी बिकॉज ऑफ इट्स गोल, इसके लक्ष्य में दिक्कत है, अंतर है। क्या अंतर है, मल्टीडिसिप्लिनरिटी में क्या करेंगे कि
वेयर द डिसिप्लिन रिमेन इंटैक्ट, बहुत सारे डिसिप्लिन वहां भी है लेकिन सब इंटैक्ट है, कहीं कोई आपस में ओवरलैपिंग नहीं. लेकिन इंटर डिसिप्लिनरी में क्या है, देर इज कंजॉइनिंग ऑफ द डिसिप्लिन, हमने डिसिप्लिन को जोड़ा है ताकि हम एक शेयर अंडरस्टैंडिंग बना सके. और ट्रांस डिसिप्लिनरी में क्या है, डिसिप्लिनरी डिस्टिंक्शन आर नॉट इविडेंट, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कौन सा डिसिप्लिन कहाँ शुरू हुआ और कहाँ खत्म हुआ, हमने उसकी सीमाओं को ही खत्म कर दिया है, कोई सीमा नहीं पता चलेगी. और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इज कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट एंड वर्क्स ऑन डिफरेंट फेसेट्स ऑफ ए टॉपिक विद इन द बाउंड्री ऑफ ईच डिसिप्लिन, हम ईच डिसिप्लिन में है, किसी की बाउंड्री को हमने क्रॉस नहीं किया है. इंटर डिसिप्लिनरी में हमने बाउंड्री क्रॉस की है और ट्रांस डिसिप्लिनरी में हम कंटेक्चुअल हो गए हैं. इंटर डिसिप्लिनरी इज कंसिडर्ड एज द कोऑपरेशन ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन व्हाइल ट्रांस डिसिप्लिनरी इज द इंटर रिलेशनशिप ऑफ साइंस एंड सोसाइटी. देखिए सोसाइटी को इंटर डिसिप्लिनरी में अपने में नहीं लिया, वो केवल कुछ साइंटिफिक डिसिप्लिन को जोड़ रही है, लेकिन ट्रांस डिसिप्लिनरी ने साइंस और सोसाइटी को ले लिया है, हमने समाज को भी ले लिया है, स्टेक होल्डर्स को भी ले लिया है, नॉन एकेडमिक चीजों को भी ले लिया है. ओके, एन इंटरैक्टिव ट्रांस डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम डिमांड्स एन एक्टिव एंड पर्पसफुल इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स टीचर्स एंड स्टेक होल्डर्स. आगे ना बात निकल के देखिए, इस डायग्राम से समझ लीजिए, बेहतर समझ में आ जाएगा. ये आपका इंटरा डिसिप्लिन, इंटरा मतलब एक ही डिसिप्लिन के अंतर्गत, तो इंटायरली विद इन अ सिंगल एकेडमिक चल रहा है. मल्टी डिसिप्लिनरी, हमने बहुत सारे डिसिप्लिन लाए तो है लेकिन हर डिसिप्लिन अपने 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 एंगल से देखा है, कहीं कोई ओवरलैपिंग नहीं है. क्रॉस डिसिप्लिनरी यानी कि ए सिंगल एकेडमिक फील्ड यूज्ड एज अ लेंस टू अंडरस्टैंड अदर एकेडमिक फील्ड, एक वाले से हम सबको देख रहे हैं. इंटरडिसिप्लिनरिटी, हमने आपस में देखिए ओवरलैपिंग हो गई है, जाल बन गया है, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग हो गई, कोलैबोरेशन हो गया है, डीपर अंडरस्टैंडिंग हो गई, न्यू नॉलेज क्रिएट हो गई है. लेकिन ट्रांसडिसिप्लिनरिटी में क्या हुआ, हमने डिसिप्लिन के अक्रॉस चले गए, बियॉन्ड चले गए, ट्रांसेंड चले गए, हमने किसको ले लिया, स्टेक होल्डर को भी ले लिया, सोसाइटी को भी ले लिया, नॉन एकेडमिक वेंचर्स को भी ले लिया. ओके, अब इस आपको उससे पता चल जाएगा, इस सारणी से अगर हम डायमेंशंस देखें, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी, अगर डिग्री ऑफ ओवरलैप देखें हम, कितना ओवरलैप है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी बिल्कुल नहीं है, इंटरडिसिप्लिनरी में मॉडरेट है और ट्रांसडिसिप्लिनरी में मैक्सिमम है. अगर हम कंडीशन ऑफ ईच डिसिप्लिन देखें, बाउंड्री फॉर इंटीग्रेशन, तो मिनिमम ओपननेस मल्टी डिसिप्लिनरी में क्योंकि हम क्रॉस जा ही नहीं रहे, लेकिन सॉरी इंटरडिसिप्लिनरी में मॉडरेट फ्लेक्सिबिलिटी है इंटीग्रेशन के लिए, और ट्रांसडिसिप्लिनरी में फिलोसॉफिकली मेथोडोलॉजिकली एंड थियोरेटिकली हम ओपन है मर्ज होने के लिए. ठीक है, फिर जो डायमेंशन आपका है, एम एंड आउटकम ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग प्रोसेस, तो हमारा उद्देश्य क्या है और आउटकम क्या निकल के आएगा, तो मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या निकल के आएगा, विद इन द बाउंड्री ऑफ ए सिंगल डिसिप्लिन. लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी में इंटीग्रेटेड ऑब्जेक्टिव एंड कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट डिसिप्लिन्स, और ट्रांसडिसिप्लिनरी में क्या हो जाएगा, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस. ठीक है, मल्टीडिसिप्लिनरी में अपनी बाउंड्री के अंदर इंटरडिसिप्लिनरी में जुड़ जाएंगे और ट्रांसडिसिप्लिनरी में सोसाइटी को भी ले लेंगे, यही चल रहा है केवल. फिर डिग्री ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर, तो मल्टीडिसिप्लिनरी में तो जरूरत ही नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड. इंटरडिसिप्लिनरी में या तो बिल्कुल जरूरत नहीं है या मिनिमम कहीं हो जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन ट्रांसडिसिप्लिनरी में ये एक वैलिड रिक्वायरमेंट है, वाइटल रिक्वायरमेंट है ना. और नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड इनोवेटिव आउटकम की, तो मल्टीडिसिप्लिन में बिल्कुल ही नहीं है, एकदम कम है. इंटरडिसिप्लिन में मिलता है लेकिन ट्रांसडिसिप्लिन में मैक्सिमम मिलता है. अगर हम बात करें कि पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट डायमेंशंस विद फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी रेस्पेक्टिवली, तो मल्टीडिसिप्लिनरी में सबसे कम है, बेसिक लेवल का है. इंटरडिसिप्लिनरी में बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का भी हो जाएगा और ट्रांसडिसिप्लिनरी में इनोवेशन होगा, इनोवेटिव होगा. उसी तरीके से मेथोडोलॉजिकल ओरिएंटेशन में मल्टीडिसिप्लिन मोनो मेथड है क्योंकि हमने दूसरे डिसिप्लिन से कोई इंटरेक्शन किया ही नहीं, उस हिसाब से बाउंड्री क्रॉस की नहीं. इंटरडिसिप्लिन मिक्स होगा और ट्रांसडिसिप्लिन में भी मिक्स होगा, एक ही मतलब है मिक्स मिक्स्ड. कंक्लूजन, इतनी बातचीत का क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा. Although transdisciplinarity only emerged in the last few decades, अगर 1994 से माने तो कितने साल हुए, बहुत साल नहीं हुए लिटरेचर के लिहाज से. इट हैज क्विकली गेन्ड अटेंशन इन मोमेंटम, लेकिन इसने बहुत जल्दी अटेंशन गेन किया, इसको संवेग मिला है. एज अ न्यू अप्रोच टू रिसर्च एंड एजुकेशन, द अप्रोच रिकॉग्नाइजेस द मल्टी फेसेटेड नेचर ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. कहा यह जा रहा है कि समस्याएं भी पहले ऐसे नहीं थी संसार में, समस्याएं ही जब इतनी मल्टीफेसेटेड हो गई तो हमको मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी, ट्रांस डिसिप्लिनरी होकर सोचना ही पड़ेगा. एक सिंगुलर डिसिप्लिन इसको सॉल्व ही नहीं कर सकता, उसका इतना कैपेसिटी नहीं है, विच रिक्वायर्स मोर देन वन पर्सपेक्टिव टू सॉल्व. यही कहा जा रहा है कि एक आप एंगल से देख के नहीं सॉल्व कर सकते. इट ऑल्सो कॉल्स फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट एक्टर्स टू प्रोवाइड वेल राउंडेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एट हैंड. बहुत सारे इसमें लोग मिलेंगे, बहुत सारे जानकार मिलेंगे, समाज सुधारक मिलेंगे, तब जाकर समस्याएं सॉल्व होंगी. और सॉरी,
What sets transdisciplinarity apart from other approaches? कैसे इसको हम other approaches से अलग करें? And what assures its role in 21st century education? और क्यों हम कहें कि 21st century education की एक demand है? Is its acceptance of and its focus on the inherent complexity of reality. कहा जा रहा है ना कि reality भी इतनी complex हो गई, reality भी इतनी simple नहीं रह गई है, that it's seen when one examines a problem or phenomena from multiple angles and dimensions with a view toward. हमारा लक्ष्य क्या होना है, क्या दृष्टि हमको रखनी है? Discovering hidden connections between different disciplines. भाई यही तो बात की जाती है ना कि फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस. तो ऐसा थोड़ी है कि हर डिसिप्लिन बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल कटा हुआ है, सब कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है. लेकिन हम जब स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो हम बिल्कुल कट जाते हैं एक दूसरे से. तो कटना नहीं है, जो हिडन कनेक्शन है, जहां जो छुपे हुए उसके संयोग के सूत्र हैं, उसको हमको उजागर करना है, एक्सप्लोर करना है और उनके थ्रू जुड़ के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. सॉरी थोड़ी खांसी आई है, ज्यादा बोलो तो ज्यादा आती है, तो सॉरी फॉर दैट. बट आई होप कि इतना कंफ्यूजिंग, और जनरली हम लोग इसको सरसरी तौर पर ऐसे ही निकल जाते हैं कि इंटर डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी, क्रॉस डिसिप्लिनरी, इंट्रा डिसिप्लिनरी एक ही है, लेकिन ये अलग अलग है. लोगों ने इस पर काम किया है, इस पर लिटरेचर है, इनके अलग अलग नाम है क्योंकि इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो बींग belong to the academic fraternity, teaching fraternity, या ऐसे भी पढ़े लिखे लोग होने की कैटेगरी में अगर हमको अपने आप को रखना है, तो हमको ये रोजमर्रा में प्रयुक्त होने वाले कंफ्यूजिंग टर्म्स के बीच के डिस्टिंक्शन को समझना होगा. ओके, थैंक यू. Don't forget to like and subscribe my channel. Explore Education and join my Telegram group too, so that you can conversate with me with there. यहाँ तो सिर्फ मैं ही बोलती हूँ ना, आप तो कुछ बोल नहीं पाते, तो आप वहां बोल सकते हैं. ओके, सो done from my side.